राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देशी विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेटर जगत और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में आज से देश की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो एवं आउटरीच का आयोजन किया गया है। इस इन्वेस्टर रोड शो एवं आउटरीच में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अलावा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, मुख्य सचिव सुधांश पंत और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 30 सितम्बर को यानी कि आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि मंडल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा और कुछ चुनी हुई कंपनियों के चेयरमैन सीईओ के साथ मुलाकात करेगा। इसके अगले दिन 1 अक्टूबर को प्रतिनिधि मंडल 2 अन्य कार्यक्रमों और सीपीएसई कॉन्क्लेव और एम्बेसडर्स राउंड टेबल में भाग लेगा ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों और विभिन्न देशों के राजनयिकों को प्रदेश में मौजूदा अवसरों की जानकारी दी जा सके और उन्हें या उनके जरिए प्रमुख कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा सके। कि हम और अभी बहुत आगे इसमें पहुंचने वाले हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह की संभावनाएं हैं और उस संभावनाएं हर क्षेत्र में हैं, इसलिए हर व्यक्ति हर उद्योगपति इस बात को सोच रहा है राजस्थान में निवेश करने से उनको लाभ होगा, फायदा होगा और उनका उद्योग बढ़ेगा। इसलिए वहाँ उद्योगपति आ रहे हैं और आएंगे। हम ऐसे सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि पधारो हमारे देश, राजस्थान के अंदर आइए, उद्योग लगाइए और अपना निवेश करिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है, हमारा विकसित राजस्थान और विकसित भारत की कल्पना में आगे बढ़ेंगे। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका जो विजन है वो विजन ऐतिहासिक है और उनके विजन पर हम सभी चल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित राजस्थान बनेगा और भारत भी विकसित भारत बनेगा।